नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रबड़ी सेवई कटोरी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत और टेस्टी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। सेवई कटोरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब बारीक वाली सेवइयाँ ली है। यदि आपके पास ये ना हो तो आप मोटी वाली सेवइयाँ भी ले सकते हैं। और हम इसे हाथों से अच्छे से क्रश कर लेंगे। एक टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पे घी डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर करीब 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। आज हम बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सेवई कटोरी बनाने जा रहे हैं, जो सर्व करने में बहुत ही सुंदर लगती है और खाने में तो बहुत टेस्टी है ही। तो इस तरह से हमें इसे हल्का सा ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा ओवर रोस्ट ना करें। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और साथ ही में 3 टेबलस्पून हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क डालेंगे। आप घर का बना हुआ या फिर मार्केट का, दोनों कोई सा भी कंडेंस मिल्क ले सकते हैं। पानी डालने से वर्मीसेली जो ये सेवइयाँ हैं ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और कंडेंस मिल्क डालने से थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी। साथ ही में इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, इसलिए हम यहाँ पर ये डाल रहे हैं। और इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक ये हल्की से सॉफ्ट ना हो जाए और स्टिकी सा ही हो डो हमारा बन जाएगा, तब तक हम इसे पकाएंगे। करीब 1 से 2 मिनट में ये पक जाती है और हमारे पास में ये बढ़िया सी स्टिकी वर्मीसेली तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो इसे हम यहाँ पर गैस बंद करके साइड में रखेंगे। अब हम इसे कटोरी का शेप देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कपकेक की प्लेट ली है। आप चाहें तो कोई भी कटोरी, सिलिकॉन मोल्ड्स या जो भी आपके पास घर पर अवेलेबल है आप वह ले सकते हैं। उनके अंदर फॉइल पेपर भी आप लगा सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक की शीट लगा लें। अब मीठी सेवइयों को हम इन कैविटीज़ में डालेंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। ध्यान रखें, इस समय सेवई गर्म होनी चाहिए, ये ठंडी हुई तो इसे शेप देना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप इस स्टेप को जल्दी जल्दी से करें। यदि इसे आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनाना है तो किसी अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्प लें, वह इस तरह से इसमें पोर करेंगे और इस तरह से साइड्स में भी अच्छे से इसे प्रेस करते जाएं, ताकि जब इसे हम डीमोल्ड करें तो ये प्रॉपर एक कटोरी का शेप होल्ड कर ले और इसके अंदर जो भी हम भरेंगे वैसे वह होल्ड करके रख सके। तो इस तरह से खूब अच्छे से इसे लगाएं और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना करें, बहुत ज़्यादा पतला भी। अब इसे फ्रिज में हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी के लिए सबसे पहले बर्तन में 1 कप आप मिल्क ले लें। इसमें हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, साथ ही में 3 टेबलस्पून हम मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम यहाँ पर काजू का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आज हम यहाँ पर इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं। इस तरह से यदि कभी आपको इंस्टेंट रबड़ी खानी हो तो इस तरह से बनाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है ये रबड़ी। और इसे हम सबसे पहले घोलेंगे, उसके बाद में हम इसमें गैस पर से ऑन करके अच्छे से पका लेंगे। ध्यान रखें, इस समय आप इसे कंटिन्यूस हिलाते हुए पकाएं ताकि इसमें लम्स ना आए। और कलर के और थोड़ी सी खुशबू के लिए हम इसमें थोड़े से केसर के धागे भी डालेंगे। इसे कंटिन्यूस हिलाना ज़रूरी है, फ्लेम को लो पर ही रखें। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। करीब 4 से 5 मिनट में अच्छे से गाढ़ा हो जाता है और जब आपको अपनी डिज़ायर कंसिस्टेंसी मिल जाए तब आप गैस को बंद कर दें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में काफ़ी गाढ़ा होता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम गैस बंद कर देंगे और यहाँ पर हम इसमें इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम और साथ ही में चिरौंजी डालकर इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। हमारी ये वर्मीसेली कटोरियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। इन्हें बहुत ध्यान से बढ़िया से डीमोल्ड कर लें। आप देखिए कितना बढ़िया इनका शेप आया है और एकदम परफेक्ट सेट हुई हैं ये। तो इस तरह से हम सभी कटोरियों को डीमोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको जितने भी गेस्ट के हिसाब से बनानी है पहले से इन्हें बनाकर तैयार करें, पर जब हम इन्हें फिलिंग करेंगे तो आप इसे इमीडिएट करें ताकि ये ज़्यादा सौगी ना हो। तो हमारी कटोरियाँ और रबड़ी भी तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हमारी रबड़ी तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी रबड़ी बनती है ये। अब इस तैयार रबड़ी को हम इन कटोरियों में फिल करेंगे। तो 2 से 3 चम्मच के करीब आप इन रबड़ियों को इसमें भरें और उसके बाद में हम इन्हें पिस्ता कतरन, चिरौंजी, केसर के धागे और चेरी से गार्निश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और झटपट से बनने वाली ये मिठाई आपको सबको बहुत पसंद आएगी। तो इस बार जब भी घर पे पार्टी हो इन्हें ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।